सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रश्न अभ्यास फिर से करेंगे। पहला प्रश्न है, पिता ने आंसू को क्या समझाया? इसका उत्तर है, पिता ने आंसू को समझाया, जो हो चुका उसे बदल तो नहीं सकते, मगर आगे से ध्यान रखना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, आंसू के दांत टूटने पर माँ ने उससे क्या कहा? माँ ने आंसू से कहा, टॉफियां और चॉकलेट न खाकर रोज 2 बार दूध पीने से दांत फिर से वापिस आ जाएंगे। उसके बाद हाँ या नहीं लिखना है, बहुत अधिक चॉकलेट खानी चाहिए। इसका जवाब क्या होगा? नहीं, सुबह उठकर दांत साफ करने चाहिए। हाँ, रात को सोने से पहले दांत साफ नहीं करने चाहिए। इसका जवाब होगा नहीं। उसके बाद रोज दूध नहीं पीना चाहिए। इसका जवाब होगा नहीं। फिर देखो, यहाँ पर 2 शब्द है जिनसे तुम लोगों को वाक्य बनाने हैं। माँ से क्या वाक्य बनाओगे? मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन तुम लोग अपने से भी लिखने की कोशिश करना। आंसू हमेशा अपने माँ की बात मानता है। उसके बाद दांत, सुबह उठकर दांत साफ करने चाहिए। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो हमने पुनराभ्यास किए, वो सब अच्छे से पढ़ना और सुंदर करके हिंदी कॉपी में लिखना। धन्यवाद।